तो मैं एक एक फूल चुन चुन कर दादाजी का रूम सजाऊंगा। जब वो ध्यान लगाएंगे तो इनकी खुशबू में ध्यान मग्न हो जाएंगे। आखिरकार इस जंगल जैसे फूल दूर दूर तक कहीं और नहीं मिलते हैं। ये गुड़गुड़ की आवाज कैसी? मैं तो घर से भरपेट खाना खाकर आया था। ये आवाज तो कहीं और से आ रही है। अरे कर भला तो हो भला, लगता है ये वोल्केनो फटने वाला है। हेलो, मैं हूँ जादू का ज्वालामुखी, लेकिन मैं बहुत हूँ दुखी। थोड़ी सी मस्ती कर लो। कर लो, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा लगा ना, मजा आया ना? अच्छा लगा? अरे कर भला तो हो भला, भागने में ही है अपना भला। मैंने अभी तो मस्ती शुरू ही की थी, वो भाग गया। चलो पीछा करता हूँ। जादूगर ज्वालामुखी, पर मैं बहुत दुखी हूँ। थोड़ी सी मस्ती कर लूं? हाँ, कर लो कर लो। थैंक यू। जादूगर ज्वालामुखी, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। जब भी मैं मस्ती करता हूँ तो लोग अपने आप ही जल जाते हैं। मैं क्या करूँ? तुम भी देखोगे? ये देखो, अरे कर भला तो हो भला, हो बुरा। जादूगर भैया, मेरे साथ तो तुमने एक बार मस्ती कर ली थी ना, मुझे तो बख्श दो। मजा आ रहा है, जाओ कहीं जाके खेलो कूदो और मुझसे टक्कर मत लो। मेरी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। जादूगर ज्वालामुखी, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। मैंने सोचा तुम छोटे हो,
पर अगर तुम्हें फाइट करनी ही है तो चलो। कोई नहीं बचेगा। जादूगर ज्वालामुखी, तुम्हारी मस्ती यहाँ नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जयसिंह चौहान अपनी सिटी की सुरक्षा के लिए चट्टान बनकर खड़ा है। जयसिंह चौहान, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, पर तुमने बीच में आकर अच्छा नहीं किया। सॉरी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं सॉरी बोलूं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा और यहाँ से जाना भी पड़ेगा। क्या बोला तुमने? मैं सॉरी बोलूंगा? जादूगर ज्वालामुखी सॉरी बोलेगा? सिपाइस का सकूम फ्रीजो। जादूगर ज्वालामुखी, कान खोलकर सुन लो, जब तक जयसिंह चौहान यहाँ है तब तक तुम सन सिटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जय सिंह चौहान, जब तक तुम सन सिटी में हो मैं यहाँ थोड़ी सी भी मस्ती नहीं कर सकता। ऐसा है तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। बच्चों, ये लो, रंगीला के हाथों से रंग बिरंगा फ्रेश फ्रूट जूस। थैंक यू। रुद्रा, मुझे तुम पर नाज है, आज तुमने बहुत बहादुरी से जादू करके मेरा साथ निभाया। थैंक यू दादाजी। मुझे लगता है ज्वालामुखी के बॉडी के चारों ओर जैसे कोई फायरबॉल हो, उस पर तो छोटे मोटे पानी का कोई असर ही नहीं होता है। अगर वो फिर से आ गया तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रुद्रा, सबसे पहले तुम्हें पानी को कंट्रोल करना सीखना होगा। एक बार तुमने वो सीख लिया तो जादूगर ज्वालामुखी बड़ी आसानी से कंट्रोल में आ जाएगा। समझ गया दादाजी, पर वो करेंगे कैसे? आसान है, पर हर मुसीबत से निपटने का सबसे पहला गुरुमंत्र क्या है बताओ जरा। मुझे पता है दादाजी, फोकस एंड बिलीव। रुद्रा, अगला मंत्र ध्यान से सुनना, इस मंत्र के बोलते ही तुम जमीन से पानी की बौछार निकाल पाओगे। पहला मंत्र है फोकस एंड बिलीव, अब मैं दूसरा मंत्र भी सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं खुद की रक्षा तो कर ही सकता हूँ। सिपाइस का वाटर फाउंटेनो। अरे कर भला तो हो भला, दादाजी आपने मुझे पानी से क्यों उछाला? रंगीला, क्यों हो गया ना गीला? छुप छुप कर जादू सीखना नहीं छोड़ोगे?
तो ऐसे ही हर बार कहीं उड़ते मिलोगे। प्लीज दादाजी, मुझे नीचे उतारिए, उतारिए ना। हाय रे, कमर टूट गई। अरे वाह जय सिंह, महल तो बहुत शानदार है। कहाँ हो तुम? ये रहा। बहुत बेइज्जती की थी मेरी जय सिंह, अब मजा लेने की बारी मेरी है। ये सब क्या है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जा गए जय सिंह चौहान। ये जादूगर ज्वालामुखी की जेल है, जिससे बाहर निकलना तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। मैं तो थोड़ी सी मस्ती ही कर रहा था बस, पर वो भी तुम्हें रास नहीं आई, बेवजह दिल का ताड़ बना दिया। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं खूब मस्ती करूंगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? ज्वालामुखी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इबाइस का सकू रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारा जादू इस जेल के अंदर बेकार है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। सो जाओ। दादाजी छोड़ो दादाजी को। ये रंगीला जमीन पर क्यों सो रहे हैं? रंगीला उठिए, उठिए। रुद्रा, दादाजी को वो ले गया, वो ज्वालामुखी दादाजी को ले गया। क्या? रुद्रा, हम निकल तो आए हैं, पर हम दादाजी को ढूंढेंगे कहाँ? रंगीला ने जादूगर ज्वालामुखी को पहली बार वोल्केनो से निकलते हुए देखा था, वो दादाजी को वहीं ले गया होगा। वो तो बहुत शक्तिशाली है, हम उससे टक्कर कैसे लेंगे? दादाजी की एक बात याद रखो, इंसान को खुद पर विश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अब बोलो दादाजी का गुरु मंत्र क्या है? फोकस एंड बिलीव। वो देखो वोल्केनो। वो जादूगर भी यहीं कहीं होगा। सुनो, ओके? यस। दादाजी उठिए, उठिए ना, हम आ गए हैं। दादाजी, तुम लोग यहाँ तक आ गए, दादाजी को छुड़ाने आए हो?
तुम लोगों ने तो खुद ही जादूगर ज्वालामुखी के मुंह में हाथ डाल दिया। अब तो मस्ती करने में और भी मजा आएगा। दादाजी सुन रहे हो? अरे अरे वो कैसे सुनेंगे, वो तो गहरी नींद में है। भागते कहाँ हो, अपने दादाजी को छुड़ाओगे नहीं? हेलो क्या करूं, इन सलाखों पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। मायरा वरुण भी ज्यादा देर उस जादूगर को उलझा ही नहीं रख पाएंगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। रुद्रा वो कहाँ है? धोखा, इसका मतलब तब से मैं इनके साथ नहीं खेल रहा हूँ, ये दोनों ही मुझे उलझाए हुए हैं। कहाँ है वो तीसरा? अपने दादाजी को बचाने आए हो, बड़े बहादुर हो। मुझे बहादुर लोग बहुत पसंद है, तुम्हारे साथ मस्ती करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। चलो तो फिर मस्ती के लिए तैयार हो जाओ। आई होप यू डोंट माइंड। पानी मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता रुद्रा।
साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत कैसे की? ये लो। आज मेरी सारी शक्ति कहाँ गई? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? जादूगर ज्वालामुखी, तुम्हारे अंदर इतना पानी भर गया है कि सारी आग खत्म हो गई। अब तुम कभी जादू नहीं कर सकते। क्या? जादूगर ज्वालामुखी, तुम्हें देख के लग रहा है कि रुद्रा के हाथों तुमने भारी शिकस्त खाई है। चले जाओ और फिर कभी सन सिटी की तरफ आंख उठाकर मत देखना। मैं नहीं तो क्या हुआ? सन सिटी की रक्षा के लिए रुद्रा है, उसके होते सन सिटी को कुछ नहीं हो सकता। रुद्रा, शाबाश मेरे बच्चे।